सर आप देख रहे हैं हाउ टू मैनेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट माजिद। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कचहरा मोबाइल फ़ोन जिसका साइज़ है सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड साइज़ के मुकाबले में, जिसका मॉडल है K116 प्लस, जो कि हमारे पास आया है रिव्यू के लिए और जिसके हम आज करेंगे अनबॉक्सिंग और रिव्यू देंगे इसका। मैं आपको इसको ओपन करने पहले आपको बता दूँ कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ही प्यारी है। आपको स्क्रीन दिख रही होगी कि जिस तरह का इसका बॉक्स है बिल्कुल एक बुक की मानिंद इसका साइज है। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 1.18 इंच VGA डिस्प्ले और MTK6261D इसकी चिप है और कैमरा भी है इसमें, MP3 है, M4 है, ब्लूटूथ है, BT डायलर है, ब्लूटूथ डायलर है, जिससे कि आप किसी दूसरे मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने इस मोबाइल से डायल करेंगे तो उससे कॉल भी आएगी और आप रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बिना सिम को एक्सचेंज किए। और इसके अलावा हाई एनर्जी पॉलीमर बैटरी की सहूलत आपको महसूस की गई है और इसमें आप 32 GB तक का कार्ड सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें FM रेडियो भी इंक्लूडेड है। तो हम इसको करेंगे अनबॉक्स, तो इसका जो अभी करेंगे इसको ओपन है और अभी ये बुक की मानी ओपन होगा। आप देख सकते हैं कुछ सिस्टम है जिसमें एक मोबाइल फ़ोन है और साथ में इसका डेटा केबल है। तो अभी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं इसका डेटा केबल और ये देखते हैं इसका बहुत ही प्यारे किस्म का डेटा केबल है जिससे कि आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और मोबाइल का आपको भी दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरह का आपको मोबाइल भी दिखा रहा है और इसको मोबाइल निकालते हैं गोल्ड कलर आया है हमारे पास, इसमें सिल्वर ब्लैक पिंक वगैरह भी काफ़ी है। ये कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड साइज तक का महदूद नहीं है और इसमें ड्यूल सिम का फंक्शन है, मेमोरी कार्ड इंक्लूडेड है, कैमरा फोन है और ये किसी भी सबसे बात स्लिमेस्ट मोबाइल वर्ल्ड में आ रहा है। और ये इसका डेटा केबल है, डेटा केबल पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, चार्जर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा मॉडल है, अगर आप इसे बाय करना चाहें तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। अमेजोन से आप बाय कर सकते हैं, बैंगलोर से कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से कर सकते हैं। तो अभी हम इसको करते हैं ऑन और इससे पहले मैं ऑनलाइन सेटअप को दिखा दूँ। यहाँ पर इसकी जो फंक्शन है ये सिम 1 के लिए, सिम 2 के लिए और ये मेमोरी कार्ड के लिए और ये चार्जिंग पोर्ट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी प्यारी है और अभी हम इसे करते हैं ऑन और ऑन करने के बाद हम इसे देखेंगे। ये कुछ इस तरह से इसका व्यू आ रहा है। तो ये हमारे पास मोबाइल ऑन हो चुका है जिसमें कह रहे हैं कि इसकी फंक्शन में सबसे पहले आ रहा है BT डायलर, जिसे हम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा मोबाइल फ़ोन किसी भी एंड्रॉयड से या किसी भी और ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट है जिसमें कि BT डायलर की सहूलत मौजूद है तो हम इस मोबाइल से डायल करेंगे और उस मोबाइल पे हम कॉल कर सकते हैं और उस मोबाइल की कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। इसका बहुत बेहतरीन फंक्शन है। उसके अलावा इसमें फोन लूप भी है, फोन कॉलर भी है, मैसेजिंग, मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया ओपन करें तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। कैमरा है, इमेज व्यूअर है, वीडियो प्लेयर है, ऑडियो प्लेयर है, साउंड रिकॉर्डर भी है, इसमें आप साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना, जो कि बहुत ही अच्छा फंक्शन है। उसमें FM रेडियो भी है जिसमें आप अपना FM सुन सकते हैं। इसके अलावा इसका अपनी टूल्स हैं, कुछ टूल्स में आपका वर्ड क्लॉक, अलार्म वगैरह, फाइल मैनेजर टूल में शो हो जाता है। इसकी हम ओपन करेंगे इसका फाइल मैनेजर और ये कुछ इस तरह का है। तो इट्स लुक लाइक वेरी डिसेंट मोबाइल है। तो उम्मीद है कि आपको मैंने वीडियो इस मोबाइल के हवाले से काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो और आप इसे बाय करना चाह रहे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ कोई भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 1600 रुपीज़ में आप इसे बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में और अमेजोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।